क्या पड़ी है इतनी लंबी स्टोरी बना के तुझे, बल्कि तुझ जैसे उल्लू के पट्टे को सुनाने की? मेरा ख्याल था कि तू मेरी बात को समझेगा, कम से कम तू तो समझेगा, क्योंकि बचपन से आज तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के तमाम मूड्स को समझते हैं। तभी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुझे सुनाने चलाया और तू भी। ओके ओके, मैं जानता हूं कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुम किसी के इश्क में इन्वॉल्व हुए हो। इससे पहले तो सारी मेरे लिए छोड़ी हुई थी। देखो सारा, मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा है? फायदा क्या? वो तो बेचारी कब्र में अपनी हड्डियां भी गुला चुकी, अब तुम्हारे आए भरने से होगा क्या? टेल मी। नहीं विकी, जिस तरह से वो मेरी रूह मेरे वजूद पर छाई हुई है, हम दोनों अलग होके नहीं रह सकते। या तो वो कब्र से बाहर आएगी या मैं जाऊंगा उसके पास। कल ही तो आए हो, आज फिर जा रहे हो? अब आंटी, कल तो ये फालतू काम से आया था, खामोखा अपना वक्त बर्बाद करता रहा, लेकिन अब तो हम काम से जा रहे हैं। क्या आंटी के मैं अपने सॉन्ग की वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए आंटी, मेरी शक्ल तो इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए तो ग्लैमर के लिए इसे हीरो बना रहा हूँ। वैसे आपस की बात ही है आंटी के, मेरी तरह के जितने भी सिंगर्स हैं ना, वो सारे आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। मगर जा कहाँ रहे हो? यही एक पास का गाँव है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे होगा। नहीं, रात तक आ जाओगे ना? जी आंटी, रात को तो वापस आना ही होगा, वरना हमारे गांव के सांप बिच्छू मच्छर और कीड़े मकोड़ों के दरमियान कौन रहेगा। नहीं मम्मी, हो सकता है कि हमें रात को वहीं रुकना पड़े, वो शूटिंग लंबी भी तो हो सकती है। सॉरी, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। मम्मी, मैं कोई लंदन से नहीं आया हूँ, उसी गांव की मिट्टी से बना हूँ। लेकिन मैं तो लंदन से आई हूँ, मेरा तो कुछ ख्याल कर लो। इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे तुम्हारे पापा से शादी करने की, मेरी खातिर तो वो दोबारा गांव गए नहीं। नहीं आंटी, ये कह रहा है इन केस अगर शूटिंग लंबी हो गई तो देर भी हो सकती है, बस इतनी सी बात है। नहीं विकी, मैंने तो इसको ठीक तरह से देखा भी नहीं है। देखो इसे, ना खाने का ख्याल ना पीने का, शक्ल देखो कैसी बन गई इसकी। कुछ दिनों के बाद इसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए फिर ले जाना। सॉरी मम्मी, मैं नहीं रुक सकता, मैंने जाना है। आंटी आप फिक्र ना कीजिए, मैं हूं ना, वो वहां पर खाता पीता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये ऐसा ना था, इसको गांव के पानी ने खराब कर दिया, इसको प्लीज जल्दी वापस ले आना। ठीक है विकी? ठीक है, कहीं वो अकेला ना चले जाए, आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊंगा। सारंग एक बात बोलूं, तूने आंटी को बहुत हर्ट किया है, वापसी पर अच्छी तरह सॉरी करना उनसे। क्या करूं यार विकी, क्या करूं, मुझे कोई और दिखाई भी तो नहीं देता, उसके और मेरे बीच में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पता नहीं क्या करने जा रहा है तू। तलाश, अपने इश्क की तलाश, जैसे सचल साई अपने इश्क की तलाश में निकले थे, जैसे लतीफ सरकार भिट पर आके बैठ गए थे उसके इंतजार में।
जल्दी से मेरी मिठाई निकालो। किस चीज की मिठाई? लो, आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। सुनेंगी तो खुशी से झूम जाएंगी। हाँ वो आ गया। सौरभ, मैं कहती थी ना वो आएगा। मैं कहती थी वो आएगा, वो सिर्फ मेरे लिए आएगा। वो सिर्फ मेरे लिए आएगा। मासूरी कौन है? बाबा साहब वो मेरे साथ क्यों है? आप जानते हैं? सिर्फ आप जानते हैं बाबा साहब, इतना मालूम है मुझे। मैंने तुमसे क्या कहा था बेटा कि तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम शहर के शोर में उसकी आवाज मत सुनो, जगमगाती हुई रोशनी में रहो ताकि तुम पर उसका साया भी न पड़े और तुम उलझ गए। उसकी आवाज मुझे शहर में भी सुनाई देने लगी है, उन रोशनी में भी वो मुझे दिखाई देने लगी है। बाबा साईं, मैंने उसे टीवी पर देखा, क्या करता आंखें बंद कर लेता। बाबा साईं, अब आपको बताना पड़ेगा कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है, क्यों मेरे जहन पे छाई हुई है वो। पता नहीं बड़े साईं उनको लेकर कहां गए हैं, दरगाह से तो कब के निकल चुके हैं। मेरे पास आकर मुझे और भी बेचैन कर रहा है वो, पता नहीं कब मेरे सामने आएगा। उसको देखने से पहले ही मैं पहले ही ना मर जाऊं।